देहरादून में उपनल कर्मचारी को लेकर कांग्रेस ने भाजपा सरकार पर निशाना साधा है। कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता गरिमा दसोनी ने कहा कि उपनल कर्मचारियों के मामले में राज्य सरकार धूल झोंकने का काम कर रही है, क्योंकि राज्य में एक तरफ तो 50,000 से ज्यादा पद रिक्त पड़े हैं, विभिन्न विभागों में है, वहीं दूसरी तरफ उपनल कर्मचारी जब नियमित की लड़ाई सुप्रीम कोर्ट से जीत कर आते हैं तो फिर राज्य सरकार उन्हें नियमित करने के बजाय पुनर्विचार याचिका दाखिल करने की तैयारी में जुट हुई है, जो सरकार के दोहरी चरित्र को बता रहा है। देहरादून से ब्यूरो चीफ अवनीश गुप्ता की रिपोर्ट। देखिए, सरकार आंखों में धूल झोंकने का काम कर रही है लगातार। उपनल कर्मियों के सामने तो उनकी शुभचिंतक बनने का नाटक नौटंकी चल रहा है, लेकिन वो जब सुप्रीम कोर्ट से जीत कर आ जा रहे हैं तो उनको रेगुलर करने से मना कर रही है और पुनर्विचार याचिका दाखिल करने की तैयारी हो रही है। प्रदेश में इस समय 50,000 से ज्यादा पद रिक्त चल रहे हैं। क्यों नहीं भरते आप इन उपनल कर्मचारियों से, क्यों नहीं नियमित करते आप इनको? इसका मतलब आप सिर्फ गाजर देने में माहिर हैं, केवल जुमले देने में माहिर हैं और युवाओं को आपने ठगने का काम किया है। पिछले 7-7.5 सालों से हम देख रहे हैं कि उपनल कर्मियों और राज्य सरकार के बीच में जो नूरा कुश्ती चल रही है, उनको कोर्ट जाने पर मजबूर इसी सरकार ने किया। कोर्ट जाने के बाद जब वो अपने हक में फैसला लेकर आ गए हैं तो अभी भी टालमटोल चल रहा है। ईश्वर जाने की सरकार की मंशा आखिर है क्या।